हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स भैया। मैं हूं गोपाल और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म प्लेट हैविंग सेमी सर्कुलर इनर एंड आउटर बाउंड्रीज ऑफ रेडियस r1 एंड r2। ये अपने पास सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसका इनर और आउटर रेडियस दे रखा है। इनर रेडियस कितना दे रखा है? ये रेडियस गिवन है, मान लो ये मेरा सेंटर है, तो यहाँ से इनर रेडियस दे रखा है ये r1 है और ये कितना है r2 है। अब हमें पूछा है इस पूरे प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अब देखो, अगर ये पूरा एक सिंगल डिस्क होता तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होता। अगर ये पूरा डिस्क होता तो सेंटर पे सेंटर ऑफ मास होता, बट ये पूरा नहीं है। पहले तो ये आधा है और आधे में से भी एक पोर्शन निकाल रखा है, ठीक है। तो अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सबसे पहले ये देखो कि अगर ये आधा होता तो आधे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ कितना होता है? आधे डिस्क का सेंटर ऑफ मास, देखो अगर ये आधा डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास, मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x है, ये y है। तो अगर ये आधा डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास x पे होगा, राइट। x इजिकल टू 0 पे होगा और y पे कुछ वैल्यू आएगी, राइट। तो ये y की वैल्यू क्या आएगी? y COM आएगा अपना 4r/3π, ये आएगा। अगर ये एक सेमी सर्कुलर डिस्क होता जिसका रेडियस r होता तो अपने पास सेंटर ऑफ मास क्या आता? y एक्सिस पे आता, वो कितना आता? 4r/3π। अब हम क्या करें इसको सोल्व करने के लिए, हम एक काम करते हैं, इस r2 वाले को, r2 को पूरा एक सेमी सर्कुलर डिस्क मान लेते हैं और r1 को भी एक सेमी सर्कुलर डिस्क मान लेते हैं। बट क्या करते हैं, r2 को पॉजिटिव मास लेते हैं और r1 को नेगेटिव मास करते हैं, जिससे क्या होगा, r2 के जो पीछे वाला मास है और जो r1 जो आगे वाला मास है वो दोनों कैंसिल आउट होकर वापस ये जो स्पेस है r1 की वो वापस खाली हो जाएगी, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, r2 को पॉजिटिव मास लेंगे, r1 को नेगेटिव मास लेंगे, ये चीज़ क्लियर है। तो अगर मैं r2 को अगर पूरा एक डिस्क मानता हूँ, सेमी सर्कुलर डिस्क, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ये होगा y COM दूसरे का, कितना होगा? 4r2/3π। सेम ऐसे पहले वाले का क्या होगा, जैसे r1 का क्या होगा, r1 का होगा 4r1/3π। ये कहाँ से? इस पॉइंट से, इस पॉइंट से इतना ऊपर, ये क्लियर है। एक r1 का निकाल देंगे, एक r2 का निकाल देंगे, ये दोनों सेंटर ऑफ मास आ गया। अब अपने को ये दो सेंटर ऑफ मास मिल गए, अब इन दोनों का मास देखना है जो इन सेंटर पे कंसंट्रेट होगा। तो दोनों का मास निकालें, तो मान लेता हूँ मैं, लेट मास ऑफ r2 इज कैपिटल m। अगर r2 का मास मान लो मैंने m मानना है तो r1 का मास कितना होगा? तो यहाँ पे क्या है, ये डिस्क कॉमन है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका डेंसिटी क्या रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगा। तो अपन ऐसा ही r1 का निकाल लेते हैं, r1 इज m-, अब m- की वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, इन दोनों का डेंसिटी सेम कर देता हूँ, डेंसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ 2, डेंसिटी सेम रहेगा। अगर डेंसिटी सेम है तो अपन क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, फर्स्ट का मास m, इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू विड्थ। तो एरिया क्या आएगा, सेमी सर्कुलर डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई टू और इंटू क्या करना है, विड्थ। तो विड्थ मान लेता हूँ डी, ये हो गया फर्स्ट का डेंसिटी, या फिर अपन सॉरी यहाँ पर सेकंड का डेंसिटी लिखा है, ये सेकंड का डेंसिटी हो गया। अब फर्स्ट का डेंसिटी क्या आएगा, फर्स्ट का डेंसिटी m- अपॉन πr1² / 2 इंटू डी। यहाँ पे विड्थ सेम है, एरिया डिफरेंट है और मास अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से मास आ जाएगा, r1 का मास आ जाएगा अपना, ये आएगा r1² / r2² × m, मास आ गया अपना, ठीक है। अब इस मास को अपने को नेगेटिव कंसिडर करना है तभी अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अब अपने पास सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि x इसका जो भी सेंटर ऑफ मास आएगा यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे आएगा, यानी इसका y कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 आएगा। तो y कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या है, YCOM, YCOM का फॉर्मूला क्या है, m1x1 + m2x2 / m1 + m2। यहाँ पे अपन ने क्या किया, पूरे का सेंटर ऑफ मास निकाला, r1 का सेंटर ऑफ मास निकाला, r2 का सेंटर ऑफ मास निकाला, इसका मास ले लिया, इसका भी मास ले लिया, राइट। ये दोनों मास भी आ गए और इसके पोजीशन भी आ गई, तो यहाँ पे इनको पॉइंट कंसिडर करके अपन ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो, m1 को अपने को नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये नेगेटिव लेंगे तभी ये इसके पॉजिटिव से कैंसिल आउट होकर 0 होगा। तो m1 को नेगेटिव लेना था, m1 मास कितना है अपना, r1² / r2² × m, ये तो मास हो गया। x1 कितना है, x1 मतलब सॉरी यहाँ पे y1 आएगा, y1 ये y1, तो यहाँ पे y1 कितना है, y1 है
फोर आर वन इंटू थ्री पाई, ओके। नेक्स्ट क्या है, एम टू अपना एम है और वाई टू कितना है, फोर आर टू अपॉन थ्री पाई। यहाँ तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट एम वन प्लस एम टू, एम वन को अपने को नेगेटिव लेना है, यह आएगा आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर इंटू एम प्लस एम, क्लियर, ओके। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, फोर बाई थ्री पाई कॉमन आ रहा है, मास कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी मास कॉमन हो रहा है, तो मास मास कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, फोर बाई थ्री पाई, तो ये बचा फोर बाई थ्री पाई। और ऊपर क्या बचा, ऊपर देखो ये आर वन इस आर वन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आर वन क्यूब आ जाएगा, ये आर टू स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में आर टू, राइट। और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा देखो माइनस आर वन स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस वन, राइट। ये अपना आंसर आ रहा है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है, आर टू एलसीएम एलसीएम लेकर सॉल्व करो तो आर टू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, फोर बाई थ्री पाई, यहाँ पे मैं आर टू को पहले लिख देता हूँ, तो ये आर टू स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर टू क्यूब आ जाएगा, और ये आर वन क्यूब है, और नीचे क्या आ जाएगा, ये आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, फोर बाई थ्री पाई, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी इन प्लस बी स्क्वायर, राइट। ये आ गया, ओके। नेक्स्ट अपॉन में क्या आएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, फोर बाई थ्री पाई आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू प्लस आर वन स्क्वायर अपॉन आर वन प्लस आर टू, राइट, ओके। ये अपना आ गया वाई सी ओ एम, यानी अपना जो सिस्टम है उसका वाई कोऑर्डिनेट मिल गया है, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो होगा, यानी यहाँ पे कहीं पे होगा, इसको अपन बोल सकते हैं जीरो कॉमा वाई सी ओ एम, और वाई सी ओ एम की अपन वैल्यू निकाल चुके। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फिर जो भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर और चैप्टर नंबर कमेंट कीजिए।